नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु सुंदेल। आयरलैंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 29 साल की महिला पर कुत्ते के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने रॉटविलर कुत्ते के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपी महिला के खिलाफ पशुता के मामले में सबूत तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। आपको बता दें, द सन न्यूज़ के मुताबिक महिला पर आरोप है कि उसने एक मिश्रित नस्ल के कुत्ते के साथ दिसंबर 2019 में अपने घर में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। इस मामले में उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं सुनवाई के दौरान 3 सितंबर को डबलिन में जज ट्रीसा कैली को लोक अभियोजक पक्ष की ओर से बताया गया कि उन्होंने महिला के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए हैं, वो इसे कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है। वहीं महिला के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा है। उनका कहना था कि उनकी क्लाइंट अभी यहां मौजूद नहीं है। बता दें, इसके बाद जज कैली ने मामले को इस महीने के आखिर तक के लिए स्थगित कर दिया, साथ ही अगली सुनवाई में उसे मौजूद रहने का आदेश दिया। आरोपी महिला की अगली सुनवाई में दूसरे पक्ष की ओर से सबूत पेश किए जाएंगे, साथ ही केस को ऊपरी अदालत में पेश किया जा सकता है, जिसके पास सख्त सजा देने का अधिकार है। गौरतलब है कि इस मामले में बचाव पक्ष की अपील पर कोर्ट ने केस की अस्थाई मीडिया रिपोर्टिंग प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आरोपी महिला की पहचान उजागर न हो इसके लिए ये आदेश पारित किया है। हालांकि मीडिया को आरोपी की पहचान करने से रोकने के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रतिबंध तब लगाए गए थे जब मामला पहली बार जून में डबलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने रखा गया था। इस खबर फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।